प्रातः क्लास चल रहा था 8/9/1964 मंगलवार, आठवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। इस समय घरधनी रावण है, धनी धोरी होता है ना, घर भारत में और वो घरधनी रावण ऐसा उस्ताद है, किसको पता भी नहीं पड़ता है, एकदम ठंडा कर देते हैं, उड़ाए देते हैं। सर्विस का सारा शौक ही उड़ाए देते हैं। माया ऐसी कड़ी है, और यहाँ शिव बाबा कहते हैं बच्चों के लिए ऐसे नहीं कोई समझे कि बाबा हमको कुछ कहते हैं, नहीं, शिव बाबा कहते हैं बच्चों को, इनके ऊपर दोष नहीं लगाओ, इनके ऊपर बाजू में इशारा करते, इनके ऊपर अर्थात ब्रह्मा के ऊपर दोष नहीं लगाओ। बाबा तो कहते हैं ना, इनको कोई समझो ही नहीं, शिव बाबा ही समझो कि बरोबर शिव बाबा ललकार करते हैं कि शक्तियां अभी तुमको तो सारे भारत को, भारत की तुम गवर्नमेंट हो ना, रूहानी गवर्नमेंट, तो एकदम कहो कि हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, ब्रह्मा किसका बच्चा, वो भी पंडा बाप का बच्चा, तो पंडा के बच्चे पांडव, जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, कृष्ण के तो कुमार कुमारियां हो भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि कृष्ण का तो अक्सर करके बच्चे का रूप पूजा जाता है, बच्चे को कुमार कुमारियां कहां से आए, और कृष्ण ने किसको कहां बैठ करके समझाया, वो तो 16 कला संपूर्ण सतयुग का बच्चा है, सतयुग में 16 कलाएं होती है ना, त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर में 8 कलाएं, कलयुग कलाहीन, तो कलयुग के आदि या द्वापर के अंत में कृष्ण कहां से आया,
वो भी 16 कला संपूर्ण, जबकि द्वापर में 16 कलाएं होती ही नहीं है। 8964 की वाणी का नौवां पेज, और याद तो पतित पावन बाप को करते हैं ना, भ्रष्टाचारियों को जो शिष्टाचार स्थापन करने वाला है उनको याद करते हैं ना। और द्वापर तो द्वैतवादी युग है, अद्वैत तो देवताएं होते हैं, जो किसी द्वैत को दूसरे को नहीं मानते, एक बाप को मानते हैं, क्योंकि एक बाप ही आकर के नर से नारायण जैसा देवता बनाते हैं। तो देखो ये वाणी चलती है, कोई कोई तो अखबार भी लिखते हैं, समझा ना, तो अखबार बनाने वाले भी कोई तो बाबा के पास अच्छे शिष्टाचारी है, और कोई तो स्वयं भी भ्रष्टाचारी। फिर जो अच्छे वाले होंगे सो अच्छा लिखेंगे, और जिनका निश्चय पूरा नहीं होगा वो उल्टा लिख देंगे। ये माया ऐसी है, आज निश्चय है कल संशय, और कल संशय तो फिर निश्चय भी हो जाता है, क्योंकि किसको कुछ भी संशय है, एक सेकंड में कोई बात लग जाए तो निश्चय हो जाता है कि हाँ बरोबर ये तो बाप है। और निश्चय तो बाप पर ही बैठता है ना, बाप पर ही अनिश्चय बैठता है, परंतु फिर भी निश्चय वाले को माया फिर अपनी तरफ संशय बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है। देखो कैसे कैसे अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि जो आ करके यहाँ रहने वाले थे, एकदम बड़ी महिमा करने वाले, जो अखबारों में भी छपाने वाले, आज देखो तो है ही नहीं। माया एकदम एक ही थप्पड़ में ऐसा जोर से मारती है कि एकदम मुंह फेर देती है। तो बाबा कहते रहते हैं बच्चे माया बड़ी दुस्तर है, अगर तुम बाप से कोई भी गफलत किया या उनसे कुछ उल्टा सुल्टा बोला, योग तोड़ा या कोई भी निंदा कराई, तो एक ही थप्पड़ लगेगा और माया रावण एकदम मुंह फेर देगा, फिर काला मुंह हो जाएगा,
गोरे के बदले में वो ही काले के काले। मंदिरों में राम को भी काला दिखाई देते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाई देते हैं। ये काले ही काले क्यों दिखाई देते हैं? अर्थात माया किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि बाबा आया हुआ है काले मुंह वाले बंदरों को गोरा देवता बनाने के लिए। यहाँ के तो सब बंदर है ना, राम बाप आकर के लेते ही है बंदरों की सेना। शिव बाबा भी बोलते हैं राम ने बंदरों की सेना ली। कोई त्रेता की बात थोड़े ही है, सतयुग त्रेता में कोई दुखदाई जानवर थोड़े ही होते हैं। ये तो कलयुग की बात है। फिर बंदर तो ऊधमी होंगे ना, बरोबर इस सृष्टि में इस समय शिकल है मनुष्यों की, सीरत बंदर की। भ्रष्टाचारियों की सीरत है। फिर ये जो मनुष्य हैं, जिनकी शिकल मनुष्य की, फिर सीरत होगी देवताओं की। अभी सूरत है तो बरोबर, शास्त्रों में नारद का मिसाल दिखाया है ना, मिसाल तो एक का ही देंगे ना। नाम क्या दिया? नारद। नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला, अर्थात दूसरों को ज्ञान जल देता था। उसका चेहरा दिखाया तो देखा मेरा चेहरा तो बंदरों का। तो देखो नारद भगत की शिकल कैसी अच्छी दिखाई, परंतु सीरत ऐसी खराब, बरोबर बंदर। तो ये सभी शास्त्रों में जो दृष्टांत हैं, चाहे महाभारत हो, भागवत हो, रामायण हो, वो सब दृष्टांत वगैरह यहाँ के हैं। कोई सतयुग त्रेता के नहीं है, न द्वापर के है। तो अभी तुम अपने को देखो तो बरोबर हम सुदेवता बन रहे हैं। देखना है हम शंख ध्वनि करते हैं, ये मुख शंख है। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं, स्वरक को याद करते हैं। कितना याद करते हो? अरे तुमको तो पुरुषार्थ करते करते बस उनकी याद रहे पिछाड़ी में।
लंबे समय का जैसा पुरुषार्थ होगा तो पिछाड़ी में भी ऐसी याद आवेगी। ऐसे न हो पिछाड़ी में फिर कोई दूसरे की याद आ जावे। और दूसरी याद आई तो मिला जन्म, खाई सगाएं। तो बाबा ने समझाया है मनुष्य तो जानती नहीं है कि सजाएं कैसी मिलेंगी। इतने थोड़े समय में कैसी सजाएं मिलेंगी। मनुष्य तो जानते ही नहीं है कि सजाएं कैसी होती हैं। अरे बच्चे, जो शिव काशी के ऊपर बल चढ़ते हैं उनके भी सभी विकर्म विनाश होते थे। कैसे विकर्म विनाश होते थे? सजाएं खा करके, क्योंकि वहां योग तो होता ही नहीं है, ज्ञान भी कोई को नहीं। योगाग्नि से तो विकर्म विनाश होते हैं और वहां तो योग होता ही नहीं, तो योगाग्नि से विकर्म विनाश हो न सके। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है योगाग्नि के सिवाय, तो फिर उनका विकर्म कैसे विनाश होता है? किनका? अरे सुनते सुनते ही भूले जा रहे, काशी करवट जो खाते हैं उनका विकर्म पांच जन्मों का कैसे विनाश होता है? वो सजा खाते हैं, खाते खाते फिर बाद में क्या होता है? नए सिरे से जन्म लेकर के फिर पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। वैसे तुम भी ऐसे ही हो जाएंगे। अगर विकर्माजीत न बने तो और योग न लगाया तो जो इसको पतियों का पति कहते हो तो उनसे वहां हट जाना पड़ेगा। हटाना पड़ता है ना। अरे ये कोई मासी का घर थोड़े ही है। तुम तो अभी विश्व का मालिक बनते हो। जिन लक्ष्मी नारायण को तुम पूजते हो और आधा कल्प तुमने पूजा की है, अभी तुम्हारी ये आस पूर्ण करते हैं। तुमको फट से स्वर्ग का मालिक बना देंगे। आठ नौ चौसठ की वाणी का दसवां पेज देखो। यहां भी प्रजा तो कामन है ना। वहां भी प्रजा कामन होती है। स्पेशल पार्ट तो राजाओं का होता है।
राज्य अधिकारियों का होता है। देखो वजीर है, प्रेसिडेंट है, ये जाते हैं तो उनकी कितनी महिमा होती है। मिनिस्टर जाते हैं तो कितना उनका रिसेप्शन करते हैं, ताकि भेंट हो जाए अच्छी तरह। तो देखो प्रजा में और राज्याधिकारियों में फर्क तो होता है ना। सभी बच्चे देखो यहां भी पुरुषार्थ करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं तो भी ऊंचे पद पाने के लिए, तो ये तो पुरुषार्थ सभी करते हैं। व्यापारी भी ऐसे करते हैं कि हमको धन बहुत मिले, पढ़ाई वाले भी कहते हैं बहुत धन मिले संपत्ति के लिए मारा मारी, परंतु जहां विकार की मारा मारी है वहां उनको संपत्ति का तो सुख मिल ही नहीं सकता। यहां तुम्हारी मारा मारी हरेक एक ही बात के लिए है, धनवान भी बने, आयुष्मान भी बने, पुत्रवान भी बने। तो तुम्हारी मारा मारी इसमें है, ये सुलटी मारा मारी है। आशीर्वाद भी देते हैं ना, धनवान बाबा, आयुष्मान बाबा, कृष्ण जैसा पुत्रवान भव, तो तुम्हारी है सुलटी और उनकी है उल्टी। तुम्हारा रात दिन यही चलता है कि अभी हम बाप से पूरा वर्षा ले वे, पूरा शिष्टाचारी बन जावे, पूरा माने है पौने 14 कला बन करके नई सृष्टि में जन्म न लेवे। चौदह कला त्रेता में ना आवे परम धाम से, पूरा शिष्टाचारी माने कहां आवे, एकदम सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण। कहेंगे पूरा शिष्टाचारी। हम जानते हैं कि पहले हम भी भ्रष्टाचारी बंदर थे, बंदरियां थे, अब हम श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं बन रहे हैं। अरे भारत में तो थे ही ये देवताएं, इतना भी नहीं समझते हैं बरोबर। समझते हैं देवताएं कोई ऊपर सृष्टि में होते हैं, नहीं तो श्रेष्ठाचार भ्रष्टाचार और भारत जैसा भ्रष्टाचार तो अब तक कोई और जगह में नहीं है। ये भारत ही बहुत शिष्टाचारी और बहुत भ्रष्टाचारी, क्यों बरोबर यहां बहुत शिष्टाचार था, भारत स्वर्ग था,
अभी वो ही भ्रष्टवादी। पहले यहां कौन श्रेष्ठ स्वर्गवासी थे और कौन अभी नरकवासी बने, ये तो कोई को पता ही नहीं है। कि सत्युग त्रेता में जो देवताएं श्रेष्ठाचारी थे वो ही अब अनेक जन्म लेते लेते आत्माएं सुख भोगते भोगते शक्ति क्षीण होते होते अभी भ्रष्टाचारी बने हैं। कहते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, परंतु अर्थ उल्टा लगा देते हैं। क्या कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान ही श्रेष्ठाचारी, भगवान ही भ्रष्टाचारी बनता है। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये अर्थ लगाए देते। अरे परमपिता परमात्मा को तो पुजारी कभी कोई समझते नहीं है, परंतु सर्वव्यापी के कारण बिचारे पुजारी बन गए, सब पूजा करते हैं। तो बोल दिया भगवान भी पूजा करते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, विकार भी भगवान करते हैं। कार माने कर्म, विकार माने विपरीत कर्म, दुख देने का कर्म भगवान करते हैं। सुख भी भगवान देते हैं, दुख भी भगवान देते हैं। तो देखो ऐसे कहने वाले कहते कहते अब पूरे भ्रष्टाचारी बन गए। बाबा कहेंगे इन समेत तुम सब भ्रष्टाचारी बन गए। फिर ये कहते थे बरोबर भ्रष्टाचारी बन गए थे, अब हम सुशिष्टाचारी, जो शिष्टाचारी थे सो फिर शिष्टाचारी बन रहे। कल पहले भी शिष्टाचारी थे, अपन ऐसे कहेंगे ना। सब तो नहीं कहेंगे, क्यों सब क्यों नहीं कहेंगे? अपन ही क्यों कहेंगे? क्योंकि बहुत हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, परंतु अभी शिष्टाचारी बनाए कौन रहे हैं? बाप बनाए रहे हैं, हमको बाप बनाए रहे हैं सो फिर शिष्टाचारी। बेहद का बाप, क्राइस्ट की तरह 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप नहीं, वो भी हद का बाप हो गया। कौन सा बाप? जो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, सारी 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप, बेहद का बाप। तो तुम ऐसे शंख ध्वनि करो, अच्छे अच्छे जो महारथी लोग हैं, क्योंकि नंबर वार तो है ही, कोई कोई तो क्या है, जैसे कि बकरियां रीढ़ हैं,
बस अपना पेट भरने के पुजारी हैं, बस उनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए। कोई कोई तो ऐसी ब्रह्मा कुमारियां हैं, बस खाना चाहिए, खाने पीने में बुद्धि लगी रहे, दूसरी बात सुनती ही नहीं, एकदम नहीं सुनती। ऐसे भी है मुर्दे, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, आराम चाहिए। याद रख लेना, अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर ये ग्रहचारी भी बैठ जाती है, समझा ना? फिर उनकी सारी सर्विस ठंडी हो जाती है, क्योंकि माया बड़ी युक्ति से फूंक फूंक करती है, एकदम ठंडा खत्म ही हो जाती है। नहीं तो देखो, ये ईश्वरीय सेवा कितनी करनी चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए ना। एक जगह में थोड़े ही बैठ जाना है, माना चौसठ की वाणी है, बाबा ने कोई की ओर इशारा करके बोल दिया, जो एक सेंटर पकड़ के बैठ के ट्रांसफर किया जाता है तो होने के लिए तैयार नहीं। बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी नदियों को तो खूब चक्कर लगाना चाहिए, परंतु चक्कर लगाने से भी आजकल साहब डरते हैं। एक जगह बैठ जाने में आराम रहता है। कौन जावे, धक्का खावे, ये करो वो करो, तो ऐसे नहीं। ऐसे बनने से फिर जो समझते हैं कि हम नंबर वन में आएंगे, नंबर दो में आएंगे, थ्री में आएंगे, अरे ब्रह्मा कुमारियों का जो माला का नंबर था वो बनते रहते थे, गाते रहते थे, फलाने आठ नंबर में जाएंगे, फलाने चार नंबर में जाएंगे, तीन नंबर में जाएंगे, फलानी तीन नंबर वाली वो धूल में भी चली गई, जहन्नम में चली गई एकदम। तभी बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। आज देखो तो आसमान में दिखाई देते हैं, कल देखो तो एकदम पाताल में चले जाते हैं। नहीं तो तुम ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, हम माला बनाते थे, अरे ये फलाने तीसरे नंबर में आएगी, ये पहले नंबर की शाहजादी है, ये शाहजादी बनेगा, ये शाहजादा बनेगा, हम ना वो शाहजादी है ना शाहजादा, नीचे पड़ गए। तो इसलिए माया छोड़ती नहीं है, जो अच्छे अच्छे पहलवान अपन को समझते हैं, छिपा छिपा कर ऐसा चक्कर मारती है
दंड मारती है। इसलिए बच्चों बहुत खबरदार रहना, ये संग बड़ा खराब है। आठ नौ चौसठ की वाणी का ग्यारहवां पेज पांचवी लाइन, तुम देखते हो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। कोई भ्रष्टाचारियों के संग में, छटेलियों के संग में उनकी बुद्धि बेताली हो जाती है, यहाँ आती है, फिर भ्रष्टाचारी और छटेली कहाँ से आ गई है? माना बाबा से पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे हैं, छटे छटाए हैं, देखा जाता है बरोबर, तो उनका असर लग जाता है। तो जबकि यहां वालों से ही ऐसा होता है, तो बाकी जो अपने घर में रहते हैं, बाहर की दुनिया में रहते हैं, उनका क्या हाल होता होगा? देखो घर में रहने वाले गृहस्थियों को कितनी मुसीबत होती है, कितना दुनिया वालों का संग है उनको, मोहल्ले वालों का संग, रिश्तेदारों का संग, दुनिया वालों का संग। तो इसलिए गाया जाता है कम से कम सात रोज तो भी सकावे, परंतु ऐसे नहीं खाना खाने के लिए आवे और चले जावे। ऐसे तो भूखड़े बहुत हैं, आएंगे बोलेंगे अच्छा हमको कोई प्रबंध दो तो हम सात रोज यहां आएंगे। ऐसे ठग तो बहुत है ना, बोलेंगे सात रोज हमें यहां माल मिल जाएगा, इसमें हमको क्या नुकसान, तो ठगी भी बहुत है ना, बड़ी संभाल करनी होती है। जानते तो है ना कहां उनकी बुद्धि धरी रहती है माल मिल्कियत के ऊपर। बड़े बड़े गुंडे लोग भी होते हैं, बात मत पूछो, ये असुरों की दुनिया है। भले शिकल उनको ऐसे नहीं दी है जैसे मुंह में डाल करके असुरों का शिकल बनाते हैं, मुखौटा लगाए देते हैं ना, बाकी नहीं। यानी कि शिकल सूरत क्या है? अरे वो तो जो एरोप्लेन में फोटो निकले थे ना, वो निकाल करके उनको उन्होंने आसुरों का सांचा बनाई दिया है। बाकी है तो मनुष्य, ये देखो तुम जानते हो कि हम देवता थे, इस सारे भारत के मालिक थे, और तो उस समय कोई नहीं था। अभी देखो क्या बन गए हैं। तो तुम बच्चों को ये मालूम है, तो बाबा कहते हैं देखो
अपने में कोई अवगुण तो नहीं रह गए। हर समय तांत लगी रहे, सर्विस सर्विस सर्विस, क्योंकि सर्विस में ये हड्डियां भी स्वाहा करनी है। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, दधीच ऋषि की हड्डियों का क्या बनाया, धनुष बनाया असुरों को मारने के लिए। तो हड्डियां भी स्वाहा कर दी। यहां कोई आराम करने के लिए अभी नहीं बैठे हुए, नहीं अभी आराम करने का समय नहीं है। बैल की साड़ी पहनेंगे, फलाना करेंगे, तो सारी बुद्धि बैल की साड़ियों में ही चली जाएगी। तुमको शुरुआत में बाबा ने कहा था, आठ चकत्ती वाला कपड़ा पहनो। शुरुआत शब्द क्यों लगा दिया? जो आदि में सो अंत में, अंत में ये कारखाने रहेंगे हैं? चारों ओर मारा मारी होगी, बम बम फटेंगे, तो कपड़े मिलेंगे अच्छे अच्छे मिलेंगे, तो क्या करेंगे, नंगे रहेंगे? अरे आठ चकत्ती लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? वहां तो मजबूरी की बात है, और यहां, यहां कोई मजबूरी की बात नहीं है, त्याग तपस्या की बात है। कि जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है, उनको पुरुषार्थ करने के लिए हम ये चीज मुहैया करा दें, भले खुद अपने लिए न भी रखें, जितना जरूरत है उतना ही रखें, बाकी सब ईश्वरीय सेवा में लगा दें। ऐसे तो सब आत्मा ईश्वर के बच्चे हैं ना, ईश्वर से ही प्राप्ति करेंगे ना पुरुषार्थ करके। अभी देखो, आजकल कोई अच्छी कपड़ा ना होवे तो छी छी फू फू ऐसे ऐसे करने लग पड़ते हैं। ऐसों को वो संग का रंग लग जाता है। इनको वो क्यों है? आजकल पाई पैसे वाली ब्राह्मणी जिनमें कोई दम नहीं है, वो फिर ऊंची ब्राह्मणों से भी रीस करती है कि देखो इनको ऐसा है, फिर हमको क्यों नहीं? अरे इनको है, ये ढेरों के बीच में जाके सर्विस करती है, तो भी उनको भी राजी करने के लिए क्यों ना अपने हल्के ही पहने। नहीं तो अभिमान आ जाता है कि हमको तो बैल की साड़ी पड़ी है। ऐसा भी अभिमान आ जाता है।
नहीं, पोशाक भी पूरी होनी चाहिए। आजकल तो देखो बहुत निकल पड़े हैं ना, निलान नायलान फलाना फलाना। भाई ऐसी साड़ी पहने जो कभी धोने की भी तकलीफ ना हो। अरे आगे चल करके तकलीफ तो तुम लोगों को बहुत अच्छी लेनी है। नहीं तो अहंकार आ जाता है, रीस हो जाती है पीछे। रीस कम थोड़े ही होती है, इसको कहते हैं ईर्ष्या। ये फलाना ऐसा कपड़ा पहनती है, हम क्यों नहीं पहने? फलाना ये करती है, हम क्यों न पहने? बाबा सेंट डालते हैं, हम क्यों न डालें? ये किसने बोला है? अरे किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला, शिव बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने बोला, शिव बाबा ने बोला। क्या बोला? ब्रह्मा बाबा सेंट डालते हैं तो हम क्यों नहीं डालें? अरे ब्रह्मा बाबा को बहुतों के संसर्ग संपर्क में आना पड़ता है, ढेर के ढेर बच्चे हैं, ये सेंट डालते हैं तो सब बच्चों को डालना है? डालना है, है? जरूरत है? नहीं। ऐसे भी रेस करने वाले होते हैं जो बाबा को भी नहीं छोड़ते, हर बात की फिर रेस कर देते हैं। हर बात में क्या क्या बात बोल दी होगी है? हर बात में ढेर सारी बातें आएंगी कि नहीं आएंगी? इसलिए ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर बड़ा बोझ है पाप का। क्यों? ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर क्यों है? ब्रह्मा कुमार क्यों नहीं बोला है? क्योंकि टीचर्स किसको बनाया है? फीमेल्स को टीचर्स बनाया है, और टीच करने वाले खुद ही उल्टी चलन चलेंगे तो पाप का बोझ ज्यादा चढ़ता है। ब्रह्मा कुमारी जो अच्छी अच्छी है वो अगर कोई गफलत करती है तो उनके ऊपर बड़ा दंड पड़ जाता है। क्यों है? जैसा कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख करके, छोटे करेंगे। गीता में तो कहा है ना, यद यद आचरते श्रेष्ठ है तत् तद देवे तरोजन। जो श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं पीछे पीछे उनका बहुत आचरण करने लग पड़ते हैं। तो बहुत दंड पड़ जाता है, पीछे वो अवस्था ही कोई काम की नहीं रहती है, फिर कोई सर्विस नहीं होती है।
क्योंकि ये माया है ना। कमाई में ग्रहचारी जरूर लगती है, 8964 की वाणी का 12वां पेज। तो ऐसे मत समझो ग्रहचारी नहीं लगती है, नहीं जरूर लगती है। देखते हो बहुत ग्रहचारी लगती है, ऐसी ग्रहचारी जो राहु की ग्रहचारी बन जाती है, मंगल की दशा बन जाती है, बिल्कुल देवाला एकदम। और वो ऐसा देवाला है जो चलते चलते बोलते हैं अभी हमको जाना ही नहीं है, हमको स्वर्ग में जाना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, स्वर्ग होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे भी करने लग पड़ते हैं, कहने लग पड़ते हैं। बोलते हैं हमको तो नरक में ही रहना है, रहना है, रहना है, हमें यहीं गोता खाना है। ऐसे भी बहुत जाते हैं। और बरोबर प्रैक्टिकल में तुम लोगों को बताया ना कि कितना दिन कितना वो साक्षात्कार ले आती थी। हम मम्मा तुम बच्चे वो जो प्रोग्राम ले आते थे, उस प्रोग्राम में हम बैठ करके रहते थे। वो हेड होकर के बनती थी, है? हेड होकर के बनती थी, हेड थी नहीं है, बनावट बनती थी, हेड होकर के बनती थी, नजर करती थी, क्योंकि बाबा उनको दृष्टि दे देते थे। देखती थी कौन बैठे हैं, कौन ठीक बैठे हैं, कौन योग में बैठे हैं। मैंने योग की ड्रिल कराती थी, तो बैठ करके दृष्टि देती थी बाबा की प्रवेशता से, मदद से दृष्टि देती थी। मना उनमें बाबा शिव बाबा प्रवेश करते थे, टीचर बन करके बैठती थी। वो आजकल बिल्कुल गटर में ही चले गए। ऐसी ऐसी फर्स्ट क्लास थी। तो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास भी गिर पड़ते हैं, ऐसा अहंकार आ जाता है ना। तो अहंकार भी कोई नहीं आना चाहिए। कोई सेंटर खोलते हैं उनको भी अहंकार आ जाता है, मैंने सेंटर खोला, मरा एकदम। अरे नहीं, ये तो शिव बाबा ने तुम्हारे से सेंटर खुलवाया, तुमको उमंग उत्साह में लाया। शिव बाबा करण करावनहार है ना, करण करावनहार ने मेरे द्वारा सेंटर खुलवाया, किस लिए? मेरी सदगति करने के लिए। ऐसे अच्छे अच्छे विचार आना चाहिए।
बाकी मैंने खोला, अगर ऐसे कह देंगे तो वो तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, तुम्हारी दशा तुम्हारी अवस्था कमती हो जाएगी। अगर झूठी रिकमेंडेशन की तो अगर ऑफिसर झूठी रिकमेंडेशन करते हैं तो ऑफिसरों के ऊपर केस चल जाता है। ऐसे केस चल रहे हैं मालूम है तुमको? कहो सिकंदराबाद से कौन आए हैं? फट दिल भी लग जाती है क्योंकि उनकी सेवा करते हैं तो उनको भी रिकमेंड कर देते हैं, ये बहुत अच्छी है। कोई बासन मांझती है, कोई उनको स्नान कराती है, कोई उनको टहलाने ले जाती है, क्योंकि रिकमेंड कर दिया ना, बहुत अच्छी है। खिलाती है पिलाती है, कोई माथे पर मालिश करने लग पड़ती है, फिर उनको भी पसंद करके सर्टिफिकेट दे देती है। ऐसे कभी नहीं करना, सेवा लेने के कारण बहुत ब्रह्मा कुमारियां जठर बन जाती है। सेवा लेने की आदतें पड़ जाती हैं। पर जो कोई बाहर वाले देखते हैं ना, बोलते हैं अरे ये तो यहाँ ही महारानी बन गई, यही दास दासियां रख दिए, फिर वहां तो नहीं मिलेगा। जो यहाँ दास दासियां रख देती हैं ना सर्विस के लिए, फिर उनको वहां नहीं मिलते हैं, तो यहाँ खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे कर्म करते हैं देख करके और भी करने लग पड़ते हैं। अरे बच्ची बहुत संभाल चाहिए, यहाँ अच्छा है ना? बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु, देखो तुमको ऐसा बनाते हैं। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है ना? ब्रह्मा के मुख से चली मुरली तब भी मंगलवार, और आज भी मंगलवार, तो तुमको विष्णु बनाते हैं मंगल के दिन। मंगलम भगवान विष्णु। अरे बच्ची मुझे नहीं खिलाओ, रोज हिर गई है सांप खाने के लिए। बाप दादा की मीठे मीठे सिकिल दे सबसे बुल, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार, तो सर्विसेबल भी बहुत जरूरी है और अच्छी सर्विस भी चाहिए। अच्छा ओम शांति।